खबरें विस्तार से। यूरोपियन लड़की को हमीरपुर के युवा से इस कदर प्यार हुआ कि वह हर सरहद को पार करते हुए अपने परिवार सहित हमीरपुर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए आ गई। बकायदा हिंदू रीति रिवाज से मंडप सजा और साथ पेरे लेकर देसी दुल्हे ने विदेशी दुल्हन को अपना बना लिया। यूरोपियन लड़की को हमीरपुर के युवा से इस कदर प्यार हुआ कि वह हर सरहद को पार करते हुए अपने परिवार सहित हमीरपुर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए आ गई। बकायदा हिंदू रीति रिवाज से मंडप सजा और सात फेरे लेकर देशी दुल्हे ने विदेशी दुल्हन को अपना बना लिया। दोनों को आशीर्वाद देने के लिए हंगरी से लड़की के माता पिता सहित दोस्तों ने भी शिरकत की और खुशी खुशी मंदिर में शादी में हिस्सा लिया। हमीरपुर के पौराणिक शिव मंदिर जसकोट में हंगरी से आई हुई लड़की आहाना ने हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 के युवा सन्नी के साथ शादी समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस तरह हिंदू रीति रिवाजों के साथ विदेशी लड़की के साथ शादी करने की पूरे शहर में भी चर्चा हो रही है। हंगरी से आए हुए मेहमान इंग्लिश भी ठीक से नहीं जानते और हंगरियन भाषा ही जानते हैं। ऐसे में लड़की के हिमाचली संस्कृति को पसंद करना भी दिलचस्प बात है। दुल्हे के पिता का कहना है कि हंगरी में ही दोनों की मुलाकात हुई है और बेटा हंगरी में ही नौकरी करता है और आज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज में शादी करवाई जा रही है। शादी यूरोपियन यूनियन से है, हंगरी से। बेटा मेरा जॉब करता है वहाँ पे। कनेक्शन का तो इनको पता है, बाकी इनसे पूछो आप कनेक्शन के बारे में। हाँ, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हैं, क्योंकि ये चाहते हैं सिंपल, हर एक चीज़ पे सिंपल हो, कोई भी हो नहीं, ऐसे नहीं हो, और एरिया भी ऐसा हो जो साफ सुथरा हो, जंगल का एरिया हो, ऐसे चाहते थे ना इसलिए। हाँ जी, यहाँ पे हिंदू रीति रिवाजों से हुई और यहाँ पे सब इनके आए हुए हैं ना, 18-20 आदमी आए हुए हमारे पास सभी। लड़की तरफ से इनके मम्मी हैं, डैडी हैं और मासी हैं, इनके जीजा हैं, सिस्टर हैं और बाकी रिलेटिव हैं, कुछ इनके फ्रेंड हैं और मेरे बेटे के फ्रेंड हैं, कुछ दूसरी कंट्रियों के भी आए हुए हैं, 3-4 कंट्रियों के आए हुए हैं। वहीं दुल्हन के साथ आई हुई सहेलियों ने भी शादी पर खुशी जताई और कहा कि पिछले 6 सालों से दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और आज इंडिया में आकर शादी की जा रही है। शादी में सभी हंगरी से आए हुए लोग शादी का लुफ्त उठा रहे हैं। Yeah, I'm very happy that she's going to marry Sunny because they are a beautiful couple together and I love him both. So it's beautiful. It's very interesting, very different than our culture, but it's a very interesting experience. It's everything is new. Sunny also. So all the family loves him. So they are all very happy. Yes. I was in the Hungarian wedding too, and I'm glad I am here because it's a nice country, and the wedding ceremony is very interesting for me and colorful. Yes, I like it. There are some interesting and new things for me. Okay, a lot of new things, but I like it. Oh, it was a long journey. Yes, when they met first, then I met with Hannah. So he spoke a lot of things about the relationship, and it was a long time ago, maybe 6 years ago. So it was a long journey, but I'm happy they are married now.